एवरीवन, जय श्री महाकाल। मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो आई होप सब आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सब वीकली होरास्कोप जो है 70 से 24। एंड मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ इस बार भी, तो काफी सारा टाइम ऐसे ही चलते रह रहा है। तो मेरी ऐसे ही वीकली भी होरास्कोप जो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा एक दो महीने तो भी ऐसे ही पेंडिंग चलती रहेगी। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं आई होप कि कोशिश करूंगी कि मेरी साप्ताहिक राशिफल भी आना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली होरास्कोप 70 से 24 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी मेष राशि वालों के लिए मेष राशि दिस वीक कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं लव एंड करियर रिलेटेड। तो जैसे कि दिस वीक में जो कार्ड्स आए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि आपका पूरा मन जो दिखाई दे रहा है ना कि लव कम्युनिकेशन से ज्यादा, जैसे कि आपको लगता है कि आप किसी से प्यार ना करें तो ही ठीक है, आपके लाइफ में कोई पार्टनर ना आए तो ही ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ही ज्यादा चीट कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्रॉड, या फिर आपके मन के हिसाब से वो चीजें बोलते हैं ना कि एक लव कम्युनिकेशन जैसे अटैच होनी चाहिए, जैसे कि दोनों की एक लव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वैसे होती ही नहीं दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आपको वो प्यार में जो है थोड़ा सा भेदभाव, थोड़ा सा जेलेसी, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता होगा कि वो सामने वाला पर्सन आपके सिर्फ आपसे मकसद से आपके पास रहता है। ये चीजें रिलेशनशिप के लिए भी देखी जाएंगी जिनकी मैरिज हो चुकी है एंड जो काफी टाइम से रिलेशनशिप में है उनके लिए भी देखी जाएंगी कि दोनों में थोड़ी अनबन नहीं बोल सकती मैं, जैसे कि अनबन होना अनबन है नहीं, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है आपको आपके पार्टनर के थ्रू समझ में आती हुई दिखाई दे रही। आपको लगता है कि जैसे कि ये जो मतलब आपका जो रिलेशन है, आपकी लव कम्युनिकेशन है, दोनों की मैच नहीं हो रही। कहीं ना कहीं सामने वाला पार्टनर जो है आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड, एक चीट चीजें करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप वहां से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक सही वक्त की राह देख रहे हैं कि जहां से आप अपने पार्टनर से मूव हो जाए और दूर हो जाए और आप एंड में कह सके कि आपने मेरे साथ गलत किए। ये चीजें आप मुझे लगता है कि धीस वीक में देखने को ज्यादा करके मिल रही है। अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आपके मनी प्रॉब्लम्स या फिर आपके करियर के प्रॉब्लम्स के हिसाब से तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ट्रैवल, काम से ट्रैवल करेंगे, कुछ चीजें परचेस करने के बारे में सोच रहे, शायद आप कुछ चीजें लेने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे। कुछ चीज मतलब होगी ये बात नहीं, पर हाँ आप चीजें लेने के बारे में सोच रही है, आप कुछ चीज डन कर सकते हैं, कुछ चीज आपके पास आएंगी, ऐसी बात नहीं है। तो पैसे को लेके बहुत ही मतलब होता है ना कि आप पैसे को लेके जहां से भी आपके पास पैसे आते हैं तो आप उसको रोक के रख रहे हैं, आप बहुत तरीके से सोच रहे कि मेरे को यहाँ से पैसे आ जाए, वहां से पैसे आ जाए। आपका माइंड गेम ऐसा लग रहा है कि आपको आप जितना कमाना है उतना कमा लो, जितना पैसे आ रहे उतने पैसे आ जाए तो काफी ज्यादा बेटर है। आप पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे, कहीं ना कहीं कुछ चीज लेते हुए जरूर दिखाई दे रहे, कुछ चीज बिग अमाउंट जो है आप अपनी सेविंग करते हुए दिखाई दे रहे। मुझे दिस वीक आपको ऐसा लगता है कि आप चीज कुछ परचेसिंग करें, परचेसिंग के लिए कुछ चीज इकट्ठा करते रहे तो वो चीज बेटर है। तो जैसे कि आप अपने गोल को लेके पूरा एक टारगेट करते हुए मुझे दिस वीक नजर आते हुए दिखाई दे रहे। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लेके भेजिएगा मेष राशि वाले की दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि को लेकर, जैसे कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले दिस वीक कैसा रहेगा तो जानते हैं द स्टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। जैसे कि लव कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो द स्टार का कार्ड्स आ रहा है। द स्टार का कार्ड्स आपके लिए एक न्यू कम्युनिकेशन, एक आपके लाइफ पार्टनर में आपके दोनों की बराबरी एक दिखाई जाती है। जैसे कि आपके आपके लव कम्युनिकेशन में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी है, खुश है, एक सोल, डिवाइन सोल, जैसे कि आपके बोलते ना कि एक सोलमेट सोल आपकी मिलती हुई मुझे दिस वीक दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके बोलते ना कि एक पुराना प्यार, जैसे कि बोलते ना कि लॉन्ग टाइम तक जो आपका रिलेशन उनके साथ बना हुआ है, ये रिलेशनशिप मुझे दिस वीक नजर आती हुई दिखाई दे रही है। ये बोलते ना कि कम्बाइंड कम्युनिकेशन जो
एनी टाइम लव में दिखाया जाता है, जैसे कि बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारा रिलेशन रहना, तो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम वालों के लिए दिस वीक काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये बात की जाएंगी दिस वीक में कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी एंड खुश, कहीं ना कहीं ट्रैवल, कहीं ना कहीं घूमने जाना, थोड़ा सा उनके साथ एंजॉय करना, कहीं ना कहीं एक मुल्कन के एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करना, ये चीजें मुझे दिस वीक में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बात की जाए अगर आपके काम की, जॉब की, आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आप जिसको जो पैसे देने वाले हैं तो आप दिस वीक में पैसे ना दें, क्योंकि आप जिनको भी पैसे दोगे तो वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करेगा। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ज्यादा करके स्टॉप दिखाई दे, थोड़े से परेशान रह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको लव से, आपके पार्टनर से, आपको वहां से पूरा सपोर्ट आपको मिलते हुए दिस वीक में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको रात को नींद नहीं आना, कोई ना कोई आपको काम के थ्रू, कोई ना कोई आपके काम के मेंबर से आपको कहीं ना कहीं कोई मेंबर जो है आपके साथ चीट करना, ये कंडीशन दिखाई दे रही है। थोड़े से लॉसेस दिखाई दे रहे हैं आपके काम को लेके, पैसे को लेके, तो पैसे जहाँ पे भी खर्च करना है वो सोच समझ के आप खर्च कीजिएगा। दिस वीक काफी ज्यादा आपके लिए मायने रखता है। वृषभ राशि वाले मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है मिथुन राशि, जेमिनी राशि। जेमिनी राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा लव कम्युनिकेशन एंड करियर एंड जॉब बिजनेस के हिसाब से। तो जैसे कि लव कम्युनिकेशन के लिए कार्ड्स आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स करियर के लिए एंड द मून। तो जैसे कि दो कार्ड्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आया और एक कार्ड जो थोड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिव आया है, तो इसका रीजन भी मैं आज बता देती हूँ कि जैसे लव के लिए आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स करके कार्ड्स आया, तो कहीं ना कहीं आप न्यू रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेशन करें, थोड़ा सा न्यू ट्रैक आपका चलते हुए मुझे दिस वीक में नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। आप काफी टाइम से जिस पार्टनर की तलाश कर रहे थे, जैसे कि आपका मन कर रहा था कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए, तो मिथुन राशि वालों के लिए गुड न्यूज है कि आपके लाइफ में दिस वीक पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया से आते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दूर से मेंबर से दिखाई देता है कि आपसे कहीं ना कहीं दूर से कॉन्टेक्ट से आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपकी एक सोल हो सकती है, जैसे कि होता ना कि एक आपकी पुराने सोल, ये बोला जाएगा ना ही ट्विन फ्लेम ना ही सोलमेंट, ये नहीं हो गए, ये कहीं ना कहीं आपकी पुरानी सोल जो है जो आपसे कनेक्ट होगी एंड आपकी लव कम्युनिकेशन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चलते हुए मुझे दिस वीक में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जैसे कि बिजनेस के लिए या फिर जॉब के लिए भी कहीं ना कहीं अगर आपको प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। नेम फेम बढ़ सकता है, कुछ चीजें ऐसी होगी, अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो आपको सोशल मीडिया पे आपके लोग ज्यादा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपका बिजनेस ज्यादा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू जॉब की अगर आपकी कंडीशन होगी तो न्यू जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं आपको जितनी सराउंडिंग एनर्जी इतनी प्यार से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये जो द मून का कार्ड से कहीं ना कहीं आप अपसेट जरूर रहेंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के भेजेगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट पढ़ती हूँ एंड मेरी रीडिंग्स अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए एंड जो न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी रीडिंग एंड कुछ ना कुछ न्यू टिप्स आपके लिए लेके आती रहूंगी। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, 3 डेज की बैचेस रहेंगी मुंबई में कांदिवली वेस्ट में रघुलीला मेगा मॉल में। आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी कर सकते हैं एंड टैरो कार्ड रीडिंग भी सीख सकते हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग, लव रीडिंग एंड जैसे कि आप एंजल रीडिंग भी सीख सकते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए मुंबई में कांदिवली वेस्ट में रघुलीला मेगा मॉल में, वहाँ पे आके आप विजिट भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय एंड नमस्कार।